बाद बरेली का रुख करूंगी। रतीश त्रिवेदी लगातार मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। रतीश, बरेली में आज क्या दिन भर माहौल रहने वाला है, क्योंकि बहुत कम वक्त अब बचा हुआ है चुनाव प्रचार के लिए, ऐसे में क्या कार्यक्रम, कौन कौन से दिग्गज आज बरेली में होंगे? बिल्कुल, देखिए बरेली की अगर बात की जाए तो 9 सीटें विधानसभा की हैं। पिछली बार 2017 में 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास गई थी और प्रचार का आखिरी दिन है। 9 जिलों की 55 सीटों में दूसरे चरण में मतदान होना है और बरेली भी उसमें शामिल है। तो बरेली में लगातार कन्विंसिंग हो रही है, कैंपेनिंग हो रही है और प्रत्याशी अपने प्रचार पर निकल रहे हैं, लेकिन जागरूक मतदाता है तमाम, जो सुबह से ही देख रहे हैं कि तमाम नेताओं ने जो वादे किए हैं वो कौन से वादे हैं और कितने पूरे होंगे, खरे होंगे। हमारे साथ अब से कुछ देर पहले बहुत सारे लोग थे लेकिन अपनी बारी का इंतजार करते करते वो चले गए यहाँ से, लेकिन कुछ लोग जो बचे हैं, एक दो लोग, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नितिन कन्नौजिया है। ये बताइए अमित जी की सामने देखिए, नितिन जी ये बताइए कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं और जो प्रचार प्रसार चल रहा है नेताओं का वो कितना भरोसेमंद होता है? सर, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे विकास बहुत तेजी से हो रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है। और दूसरी चीज, गुंडा राज बिल्कुल से समाप्त हो रहा है। आपने देखा बरेली के अंदर अब कोई भी दंगा नहीं होता, पहले जितने दंगे होते थे अब यहाँ दंगा नहीं होता है। प्रधानमंत्री कासगंज में थे, उन्होंने ये बात जरूर कही थी जो आप बात कह रहे हैं कि आप बरेली को दंगों की आंख में झोंका जाता था, अब दंगे नहीं होते। हाँ, तो अब यहाँ पे कोई इस तरीके का माहौल क्रिएट कर ही नहीं पाता है, अगर कोई करता है तो उसको तुरंत शांत कर दिया जाता है। ये चीज जागरूक मतदाता है, लगे हुए हैं और नेताओं की बातों को देख रहे हैं। अगर बात की जाए दावेदारों और कद्दावर नेताओं की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यहाँ पर आए थे, उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, तमाम उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार किया है, तमाम दिग्गजों की साख दांव पर है। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और देखिए जनता अपने मुद्दों के साथ 14 फरवरी को वोटिंग करेगी, लेकिन आज क्या माहौल रहेगा ये दिन भर हम आप लोगों के जरिए समझेंगे। आप सभी सहयोगी बने रहिए क्योंकि ये घड़ी भी लगातार हम दिखा रहे हैं और देखिए कितना वक्त बचा हुआ है, 9 घंटे 15 मिनट का वक्त सिर्फ बचा हुआ है और इसके बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। एक एक अपडेट आपको देंगे, एक एक तस्वीरें आपको ग्राउंड से दिखाएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएं कि आप जुड़े रहिए हमारे साथ। यहाँ बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, दूसरे फ्रेम में आप देख रहे हैं हरीश रावत दिखाई दे रहे हैं, लालकुआ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर जुड़ने वाले हैं।